भाई आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में भी खेल चुके हैं, डाउन द ऑर्डर भी खेल चुके हैं, आप स्लॉगर भी थे, आप वन डाउन के मुस्तनद बैट्समैन भी थे। हजार गेंदे हो चुकी हैं जिस पे पाकिस्तान ने पावर प्ले में छक्का नहीं मारा, पावर प्ले में हजार बॉलें कराई जा चुकी हैं, इन पे पाकिस्तान ने एक भी छक्का नहीं मारा है, और अब देखें एक एक प्लेयर आठ आठ छक्के मार के जा रहे हैं पावर प्ले में, कहाँ है वो छक्के? देखिए ये प्लेयर की इंटेंट पे बड़ा डिपेंड करता है, थे अब उन्होंने को निकाल दिया एक मैच के बाद, ये होना नहीं चाहिए था उसको, कब से थे ना उनके होते में हजार बॉलें। देखिए ये जो क्रिकेट है ना, ये सारी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, मैनेजमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको विल पावर अपनी तरफ से दें, कॉन्फिडेंस दें, ताकत दें जी, कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आउट हो जाऊंगा तो बाहर हो जाऊंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप खुल के खेलते हैं, अगर देखें अगर पास्ट में देखे सईद अनवर थे वो खुल के खेलते थे, इमरान नज़ीर भी थे, शायद वो जैसे भी थे खुल के खेलते थे, फ्रीदी थे वो भी खुल के खेलते थे, जब वो खड़े रहते थे तो फिर छक्के ही लगते थे। सही बात। तो वो इनको ऐसा करना पड़ेगा, आजकल की ज़रूरत है, जैसे साउथ अफ्रीका ने परफॉर्म किया पहले मैच में, ऐसा पाकिस्तान टीम को भी करना पड़ेगा। मैं समझ, इफ्तिखार है आपके पास ये ऐसे वो खुला खेलते हैं, उसके बाद फ़खर है वो तो अभी खेल नहीं रहे, ठीक है, अब ये अमाम है वो अपनी गेम खेलते हैं जितना जैसा भी, यानी कि मैनेजमेंट में लोग होने चाहिए ताकत दें, हकीम रखने हैं। बात वो नहीं, बात ये है कि प्लेयरों में ये चीज डालनी पड़ती है, अगर जो प्लेयर सीख रहा है कि जी अगर मैं अपना रन करूंगा और मैं टीम में रहूंगा तो फिर उसकी अपनी सोच है। सही है। इमाद आप कुछ ऐड कर। देखिए मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह कल रन चेस किया है ना, बड़ी टीम जिस तरह रन चेस नहीं करने देगी, रिजवान की इनिंग से कोई वो नहीं है, अमेजिंग इनिंग, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स, अब्दुल्ला की भी इनिंग्स बहुत अच्छी दोनों की, लेकिन आप जब 350 कभी चेस कर रहे हो बड़ी टीम के खिलाफ तो आपने वो फर्स्ट 10 ओवर्स में गेम से अहेड हो जाना है, मतलब जैसे इंडिया ने कैसे किया है, और आपने रन रेट को ऊपर नहीं लेके जाना, जितनी आप बॉल्स खेलेंगे रन रेट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, जो आगे आने वाले के लिए मिडिल में उनकी बॉलिंग वीक थी, श्रीलंका काफी वीक, बहुत वीक थी, बहुत मीडियोकर बॉलिंग लग रही थी। चले वक्त आ चुका है ऑडियंस से बात करने का, आपके लिए भरपूर सवाल लेकर आए। सबसे पहले कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरवा। फरवा क्या करती हैं? सर फॉर्म डी की स्टूडेंट हूँ। फॉर्म डी की जी। वाह वाह वाह। सवाल किससे करेंगे? सर मेरा इमाद वसीम सर से क्वेश्चन है कि सर आप कराची किंग टीम का के प्लेयर हैं, तो आपकी टीम इतना हारती क्यों है, आपने कभी उसे जिताया क्यों नहीं? जीते तो है, गलत इन्फॉर्मेशन। आवाम पूछ रही है ये, आप देखें लाहौर के लोग भी पूछ रहे हैं यार क्यों नहीं जीत रहे हैं आप लोग। पहली बार भी पिछले दो साल से जीतना शुरू है, उससे पहले 6 सीजन जीत तो रहे कम से कम। मैं थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा। पहली बात, लास्ट ईयर ने दोनों बार लाहौर को हराया था, लास्ट ईयर भी, और वो चैंपियन थे। देखे हम 8 साल से PSL खेल रहे हैं, 6 ईयर्स हम प्ले ऑफ में पहुंचे और एक बार हम चैंपियन हुए, सो लास्ट 2 ईयर्स हमारे थोड़े बुरे गए, और कोशिश यही है कि अब जो 9th PSL आएगा उसको जीतने की कोशिश करें, लेकिन हमारा विनिंग रेशियो बहुत अच्छा है, आप दिखा दिया। मैं बात कर लूंगा भाई, ये जरूर है कि हर PSL में लाहौर को जरूर हराते हैं कराची वाले, अब अगले PSL में मैं बात करूंगा, धोते सारे मैच इनके लाहौर के खिलाफ ही, एक ही तरीका है फाइनल में पहुंचने का।